चंद्रपाल सिंह आज्ञा, जब से सीपी जोशी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव जीते हैं तब से विधानसभा में सत्ता पर आक्रामक रहे। अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कॉलेजों में पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षकों के पदों को लेकर सवाल किया तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जवाब नहीं दे पाए और आखिर में ये वादा करना पड़ा कि आपके इलाके के सारे पद जल्दी से जल्दी भर दिए जाएं। विधानसभा में जो कुछ हुआ ये पूरा नजारा देख। राम 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 राम। प्रश्नकाल, श्री चंद्रभान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 39। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 555 पुस्तकालय अध्यक्ष एवं 555 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक पीटीआई के पद स्वीकृत है, जिसमें से 535 पुस्तकालय अध्यक्ष एवं 540 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक पीटीआई के पद रिक्त है। जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक पीटीआई के रिक्त पदों का तिथिवार विवरण संलग्न कर दिया गया है। जी हां, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक के 247 और 247 ही पीटीआई के पद भर्ती हो गई है, परीक्षाएं हो गई है और जब भी आते ही आपके पूरी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। इसमें जो लिखा है मंत्री महोदय, पहले उसको पढ़ लें फिर आप। माननीय साहब, पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं, पिछले 15 वर्षों से लैब टेक्नीशियन हो, पीटी हो, सभी कॉलेजों में जीरो है, वो भर्ती नहीं हुई। एक बार तो वो भर्ती कब कर लेंगे, वो आप कब लगा देंगे? एक कॉलेजों में ऐसे बहुत से मेरे लोग कॉलेज हैं, वहाँ एक भी सिंगल टीचर नहीं है। मेरे बस गोसुंडा में कॉलेज है, वहाँ एक भी टीचर नहीं है और बस्सी में एक भी कॉलेज नहीं है। मेरा पीजी महाराणा प्रताप कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें संख्या बिल्कुल ही 10% संख्या वहाँ है। गर्ल्स कॉलेज में वहाँ केवल 10% संख्या है। एक बार आप ये पूरा बता दें कि जहाँ जीरो है वहाँ आप कब तो टेम्परेली के रूप में भी आप लोग कॉलेज में लगवाएं, बस्सी कॉलेज में लगवाएं, गोसुंडा कॉलेज में लगवाएं और ये पीटी और पुस्तकालय वाले वास्तव में सभी जगह जीरो है, तो जीरो कहीं एक एक करने की कोशिश आप कब तक करेंगे? और आप भर्ती 15 साल से, क्योंकि पहले वाली कुछ किया कुछ नहीं किया, उनके कोई तुलना अपन नहीं करें, अब अपन क्या करेंगे उसके बारे में एक बार आप डिटेल बताएं। उत्तर आने दीजिए। हमारे 1936 पदों की भर्ती रेगुलर कॉलेजों में आ रखी है, 2 या 3 महीने में वो सारे पद आ जाएंगे तो आपके वो रेगुलर कॉलेजों में कर दिया जाएगा। जो राजशेष जो सोसाइटी बेस की कॉलेज है उनमें हमने विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी निकाल रखी है, निश्चित रूप से जल्दी आपके इन पदों पर लगा दिए जाएंगे शिक्षक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनती है। और कुछ रह गया? हाँ, जहाँ जीरो है वहाँ आप डेपुटेशन कितनी तारीख तक कर देंगे? एक जहाँ जीरो है वहाँ आप कब तक कर देंगे? क्यों, मेरे लो कॉलेज में बिल्कुल एक भी सिंगल टीचर नहीं है, जैसे बस्सी है, जैसे गोसुंडा है, वहाँ कोई एक एक टीचर की भी व्यवस्था हो जाए, उस कॉलेज को संभालने वाला भी हो जाए, लो कॉलेज में आप तक कब तक व्यवस्था कर देंगे? और एक पूरे राजस्थान में हाहाकार मच रही चुनाव के बारे में, कॉलेज के चुनाव भी साथ साथ हो जाए उसके बारे में आप बता दें। माननीय सदस्य, वो प्रश्न से जुड़ा हुआ वो हटा दिए। आपके कोई भी जीरो रिक्त पद नहीं रहेगा, आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी।